हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डी चैनल माय नेम इज राहुल और आज हम लोग एसएसटी एस नाइन्थ क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फाइव इन द चैप्टर नेम इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें ओवरऑल जो समरी हमारी रहेगी इसमें कि इंस्टीट्यूशन्स कौन है इंस्टीट्यूशन क्या है कौन लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन रन करते हैं गवर्नमेंट में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे देर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे उसके बाद में जो हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में व्हाट इज़ डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उनके रूल्स एंड रेगु, रेगुलेशंस क्या हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं एवरी पर्सन की लिमिटेशन है एवरी पर्सन एक्साइज जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशन हैं वो अनएक्साइज जो हैं ओवर जो उनका वर्क वो ना कर सकें या फिर एक दूसरे की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको क्रॉस ना कौन तो क्या उनकी लिमिटेशन हैं इन सब के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि कौन लोग डिसीजन लेते हैं ठीक है उनकी क्या ड्यूटीज़ रहती हैं एंड जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग uh, चैप्टर से इसमें आप लोगों को सेम डेमोक्रेसी में जो पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो जाएगा और अलग से हम लोग गवर्नमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम लोग यूनियन भी गवर्नमेंट भी बात करते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हम क्या करो ये जो इंस्टीट्यूशन जो मेजर जो रोल डिसीजन्स में प्ले करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करें तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जब डेमोक्रेसी में हमने बात की थी कि अगर हम लोग बात करें हमारे इंस्टीट्यूशंस की देर आर थ्री टाइप ऑफ ऑर्गन द गवर्नमेंट हैज द्री ऑर्गन थ्री ऑर्गन की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जब थ्री ऑर्गन कौन कौन सा हमारा पहला है लेजिस्लेचर सेकेंड इज अ एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज अ जुडिश्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ऑर्गन तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गन लेजिस्लेचर क्या है जिसको हम लोग विधानमंडल बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म में तो लेजिस्लेचर में हम लोग बात करें तो इसी को हम लोग पार्लियामेंट हम लोग संसद अलग तरह से बोलते हैं बट लेजिस्लेचर का मेन वर्क क्या है लेजिस्लेचर की बात करें तो मेन वर्क क्या है एनेक्ट लॉ लॉ मेकिंग जो भी प्रोसेस है वो लोग कौन करते हैं लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेचर में जो मेन जो वर्क अगर देखा जाए कि लेजिस्लेचर का एन द लॉ लॉ बनाना कंट्री के लिए कानून बनाना क्या है हमारा लेजिस्लेचर का वर्क अब कौन लोग हैं जो ये कानून बनाते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में हमने बात की है कि हमारे यहाँ पे जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो लोग रिक्रूट करते हैं इलेक्ट करते हैं लोगों को ठीक है और इलेक्ट करने के बाद में जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है उसमें जो पास जाते हैं एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वी हैव अ टू हाउस इन अ पार्लियामेंट जिसमें हमने बात की थी वन इज लोकसभा एंड द सेकेंड वन इज अ राज्यसभा इसके बारे में हम लोग डिटेल से हम लोग आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में लोकसभा और राज्यसभा टू हाउसेज हैं लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं पॉपुलर हाउस बोलते हैं फर्स्ट हाउस के नाम से हम लोग जानते हैं और राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं आज अ कॉमन हाउस हम लोग बोल सकते हैं या फिर अपर हाउस हम लोग बोल सकते हैं और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए परमानेंट हाउस क्योंकि ये कभी डिजोल्व नहीं होता है कभी भंग नहीं होता है ये कंटिन्यू रहता है क्योंकि आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद में वन थर्ड मेबर जो इसके होते हैं रिटायर होते रहते हैं और नए मेंबर्स आते रहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है ठीक है इनका वर्क क्या होता है फंक्शंस क्या होते हैं इसमें जो मेंबर्स रिक्रूट होते हैं इलेक्टेड होकर आते हैं उनका क्या है, तो अकॉर्डिंग उनके जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं इन सब के बारे में हम लोग बात करें उनकी पावर्स और फंक्शन क्या है इनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं वापस पॉइंट पे लेजिस्लेचर का मेन वर्क क्या है एनेक्ट द लॉ मेकिंग जो लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है कंट्री के लिए जो कानून बनाने का काम है वो कौन करता है लेजिस्लेट जिसमें कौन होते हैं हमारे अगर इसको हम लोग सेंट्रल लेवल पे बात करें पार्लियामेंट में तो उनको बोलेंगे हम लोग एम अगर उसी को हम लोग स्टेट लेवल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे कौन हो जाएंगे एम एल ए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट जो असेंबलीज हैं तो सेंट्रल असेंबली और स्टेट असेंबलीज दोनों में जो लेजिस्लेचर का काम है वो कौन करते हैं हमारे एम और एम लोग राइट ठीक है तो फर्स्ट बार क्या होगा लेजिस्लेचर का कानून बनाना नेक्स्ट जो हमारा एग्जीक्यूटिव है इसमें हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव कौन लोग एग्जीक्यूट करना जो भी काम लेजिस्लेचर के वाले ने किया है लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स ने किया है मतलब जो कानून बनाया उसको एग्जीक्यूट करना इंप्लीमेंट करना राइट right. इंप्लीमेंट अब कौन करेगा है? जो कानून बनाया गया है लेजिस्लेचर के लोगों के द्वारा उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा तो ये काम हमारे कौन करते हैं एग्जीक्यूट लोग करते हैं इनका फंक्शन यही होता है टू इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर लॉ दैट इज मेड बाय द लेजिस्लेचर राइट ठीक है अब इंप्लीमेंट अब ये एग्जीक्यूटिव कौन है एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करें तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव वैसे तो हम लोग जनरल बात करें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करेंगे जिनका एक सर्टेन टर्म होता है राइट right? ठीक है दैट इज स्पेसिफिक टर्म के लिए वो लोग इलेक्टेड किए जाते हैं जैसे पॉलिटिकल हमारे पॉलिटिकल एग्ज जैसे हमारे एम पीज हो गए फाइव ईयर्स तक के लिए रहेंगे ठीक है बट अगर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव हम लोग बात करेंगे तो वो कौन होते हैं हमारे जो सिविल सर्वेंट हैं ठीक है आई हो गया आई सॉरी आई हो गया हमारा आ, उसके बाद में हम लोग आई हो गया ये जो हमारी जो सिविल थ्री जो सर्विसेज हैं ठीक है IPS, IPS और आई ये जो आई हमारी सिविल सर्विसज है इनमें जो पर्सन जो अपॉइंटेड होते हैं उनका एक स्पेशल ट्रम होता है टेनर होता है उनका एक कार्यकाल होता है कि हाँ आप 62 टू ईयर्स सिक्सटी फाइव ईयर्स या फिर 62 टू ईयर्स के बाद में आप लोग क्या हो जाएंगे रिटायर हो जाएंगे राइट ठीक है तो ये परमानेंट पोलिटिकल बट इसमें जो एग्जीक्यूटिव की हम लोग बात करेंगे ये कौन है ये हमारे एग्जीक्यूटिव हैं प्रेजिडेंट जिसको हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री सेकेंड वाइस प्रेजिडेंट एंड द थर्ड इज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को भी हम लोग इसमें काउंट कर सकते हैं क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो पार्ट एव ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और यहाँ पे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हम लोग लिख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकसभा में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको पर्सनल अलग से एलोकेशन दिया जाता है अलग से डिपार्टमेंट दिया जाता है उनका एक सेपरेट पोर्टफोलियो होता है जिसके अंडर में वो लोग काम करते हैं दे कैन टेक अ सेपरेट डिजन लाइक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए होम मिनिस्टर हो गए ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सेपरेट पोर्टफोलियो राइट ठीक है तो दीज आर द एग्जीक्यूटिव इनके अलावा हम लोग इसमें सिविल सर्वेंट को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं ठीक है तो दीज आर द कॉल आज अ एग्जीक्यूटिव मैन वर्क इज है इंप्लीमेंट दैट लॉ लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर जो हमारे यहाँ पे बना हुआ है टू ऑर्गन हमने स्टडी के थर्ड जो हमारा ऑर्गन है थर्ड ऑर्गन हम 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 है हमारा जुडिशरी एंड जुडिशरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है हमने जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया बोरो किया कुछ प्रोविजन हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं आर टेकिंग ए फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज तो थर्ड जो हमारा ऑर्गन है वो क्या है जुडिशरी जुडिशरी की अगर हम लोग बात करें दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल कैसे जुडिशरी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ द जो ऑर्गन है उन पे दोनों पे कंट्रोल करता है कैसे कंट्रोल करता है जुडिशरी में कौन लोग होते हैं जजेस जजेज जो लोग हैं जजेज आर अपॉइंटेड बाय किससे एग्जीक्यूटिव से जो जजेज होंगे हमारे वो अपॉइंटेड किससे किए जाएंगे एग्जीक्यूटिव के द्वारा जैसे प्रेजिडेंट अपॉइंट द जजेस कौन से जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के हो गए जजेज हो गए हाई कोर्ट के जजेज हो गए थ्रू कॉलेजियम प्रोसेस और उनमें यहाँ पे सीनियर जो पर्सनस हैं उनकी हेल्प लेके हमारे यहाँ पे जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा और अब जजेस देखो प्रेजिडेंट पे कंट्रोल करता है कि ठीक है ये भी एक उल्टा चेक है इसी को हम लोग अगर हम लोग बात करें हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट जब टेंथ क्लास में पढ़ेंगे चेक एंड बैलेंस प्रोसेस कैसे वो हमारे एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर सकता है कैसे जुडिशरी का जो मेन वर्क है वो क्या इंटरप्ट करना किसमें एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है कहीं भी ठीक है कैसे करेंगे इंटरप्ट ही ऑल्सो चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर द लॉ इज प्रोपर इंप्लीमेंट और नोट मतलब एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाया गया है उसको इंप्लीमेंट कर रहे नहीं लेकिन चेक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द वर्क वो लोग अपना काम कर रहे नहीं उसके अलावा ही ऑल्सो चेक द पार्टिकुलर लॉ दैट इज मेड बाय लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया गया उसको भी क्या करेगा ये चेक करेगा तो दैट मीन्स उससे क्या होगा अगर कहीं भी जुडिशरी को लगता है कि जो लोग बनाए गए लेजिस्लेचर के लिए वो कहीं अगर गलत है वो सही नहीं है उसके जो प्रोविजन्स हैं वो सही नहीं है तो डेफिनेटली उस पार्टिकुलर लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर देता है दैट मीन्स असंवैधानिक ठीक है तो वो लोग वहीं पर खत्म हो जाता है तो उस बिल को ही नहीं हम लोग बात करेंगे जो लॉ बनेगा तो दैट मीन्स अब देखो पूरा चेक एंड ओल द अब इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे कि ये जो थ्री इंस्टीट्यूशन्स हैं प्ले रोल इन अ मेजर डिसीजनस ठीक है अब कैसे लोग डिसीजन करेंगे और इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है हाउ दीज इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू इच अदर्स कैसे ये जो इंच इंस्टीट्यूशंस हैं एग्जीक्यूटिव लोग हैं जुडिशरी लोग हैं जो हमारे लेजिस्लेचर के लोग हैं कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड हैं कैसे एक साथ रह के काम करते हैं इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर में स्टडी करेंगे तो ये बेसिक था आपका कि क्या हमारे ऑर्गन्स होते हैं देर थ्री ऑर्गन्स और, और उनका क्या क्या मेजर वर्क होता है क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर व्हाट आर द मैन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव व्हाट आर द मैन फंक्शन ऑफ जुडिशरी ठीक है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कैसे यहाँ पे फंक्शनिंग मोर एंड डेमोक्रेटिक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा टाइम कि ये जो इंस्टीट्यूशन है टुगेदर कैरी ऑन द वर्क ऑन द गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट किए जाएंगे फॉर्म किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखो हमने जो इसके अलावा जो चीज़ें हमने अडोप्ट किए क्या अडोप्ट किए हमने सिर्फ सिर्फ ऑर्गन्स और इसमें जो चीजें हमने यहाँ पे फूडरल गवर्नमेंट फीडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडोप्ट किए क्योंकि आपका देखो बेसिक अगर आपका कंप्लीट हो गया तो डेफिनेटली आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या हैं और उनमें क्या रोल प्ले होता है फीडरल फॉर्म ऑफ जो हमने किया है जो हमने संघवा किया उसमें हमने क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ इन दिस चैप्टर वी टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे हमारे यहां पे जो फीडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसने हमने फीडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहता है फेडरलिज्म देर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट ठीक है तो हमने यहां पे कौन सी टू लेवल्स हमने किए वन लेवल तो क्या हमारा सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई जो हमारे कहां पे काम करती सेंट्रल लेवल पे सेकंड हमारे जो है कौन सी है हमारे यहां पे स्टेट गवर्नमेंट है और थर्ड जो हमारी गवर्नमेंट है वो कौन सी है हमारी लोकल गवर्नमेंट है सेम हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंथ क्लास में इसका डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स इनकी जो पावर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनको दिए गए उसी के अंदर ये लोग लॉ लो बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं और ये क्यों किया क्योंकि क्यों एक हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो अक्रॉस द कंट्री सभी जो हमारी सब कॉन्स्टिट्यूशनल जो यूनिट्स हैं उन पर कंट्रोल करें इसलिए हमने कुछ मोर पावरफुल बनाया कि एक गवर्नमेंट को हम लोग क्या बनाएंगे पावरफुल बनाएंगे इसीलिए क्वेश्चन भी बनता है कि वाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट ठीक है तो ये भी हमारे कि यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ यहाँ पे गवर्मेंट्स है जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट्स और ये बात करते हैं तो ये तो हमारा गया बेसिक जो इस चैप्टर्स में दिया गया है कि कैसे हम लोग गो थ्रू चलेंगे कि हमारे जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स और हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे आर थ्री ऑर्गनस ऑफ द गवर्नमेंट जिनके हमने स्टडी किए एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट जिनको हम लोग होरिजेंटल और वर्टिकल डिवीजनस पे हम लोग कहते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे स्टडी करेंगे अब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन जो भी गवर्नमेंट में जो पॉलिसी जो बनाई जाती हैं उनमें जो डिसीजन लिया जाता है वो कौन डिसीजन लेते हैं तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी डिसीजन कोई लिया जाता है तो कहीं ना कहीं कोई भी डॉक्यूमेंट्स को फ्रेम किया जाता है जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बना ड्राफ्टिंग कमेटी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया और फिर जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबलीज़ के मेंबर ने उसको एक्सेप्ट किया ठीक है तो उससे ऐसे हमारे यहां पे जो भी पॉलिसी जो डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट में उनको भी एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है जो बेसिकली हमारे यहाँ पे इसका हम लोग स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है देखो गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है एक कार्यालय आदेश जिसको हम लोग बोल सकते हैं आदेश और गवर्नमेंट प्रिंस कार्यालय जिसको हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में चाहे वो प्राइवेट हो चाहे ऑफिशियल हो बट आज हम लोग बात करेंगे कि ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ऑफिशियली जो नोटिस आता है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको हम लोग क्या ऑन थर्ड अगस्त इसका एग्जाम्पल है थर्ड अगस्त थर्टीन अगस्त 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इश्यू किया और उस ऑर्डर को क्या बोला गया ऑफिस मेमोरेंडम जिसको कार्यालय आदेश भी बोला जाता है ठीक है कि आल गवर्नमेंट देखो अब गवर्नमेंट ऑर्डर होता है क्या है तो इसकी डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है एवरी गवर्नमेंट हैव सम नंबर ऐसे नहीं है कि हमने एक अपलीकेशन लिखा बस ठीक है एक अप्लीकेशन दो एवरी गवर्नमेंट ऑर्डर का एक ओ नंबर होता है ठीक है ओम नंबर होता है जैसे इस गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करें तो ये इसका नंबर है अब ठीक है अब गवर्नमेंट ये किसने लिखा कौन ऑर्डर इश्यू कर रहा है ऑर्डर किसके लिए दिया जा रहा है किस डिपार्टमेंट से ऑर्डर उसको इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जब भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर है एवरी डे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत से ऐसे एवरी ऑफ डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ पे ऑर्डर इश्यू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है वो कंट्री के लिए तो बिकम अब अब पे सेरो और ये हाउ टेकन कैसे उसमें डिजन लिए जाते हैं किसके लिए कंट्री के लिए लोगों के लिए और उनके बाद में उनका लेटर उनका रिजल्ट क्या रहता है आउटकम क्या रहता है इसके बारे में तो ये एक एग्जाम्पल है बेसिक जो हमारे ऑर्डर हैं वैसे पे देखो ऑर्डर यहाँ पे जीआई डिपार्टमेंट ट्रेनिंग ओम ये नंबर है इसका ये जो नंबर दे रखा है ये इसका नंबर है कब हुआ थर्टीन आठ नाइनटीन नाइनटीन को डेट आएगी उसमें और पार्टिकुलर हम नंबर आएगा कि वो ऑर्डर किस डेट को रिलीज किया गया कौन से नंबर ऑर्डर नंबर क्या थे और उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ यहां पे अब इस ऑर्डर में जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है ये जो है कि ऑर्डर में जो मेन आपके यही है कि यहां पे ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑफ द वैकेंसी सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल बी रिजर्व फॉर स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास स्पेशल जो वीकर क्लास है ठीक है ए सी -E जिसको बोला इसमें इकोनॉमिक जो वीकर बैकवर्ड क्लास है उसके लिए ट्वेंटी सेवन परसेंट जो है रिजर्वेशन हमारे यहां पे क्या कर दिया गया रिजर्व कर दिया गया रिजर्व हो गया किसके लिए ई बी सी स्पेशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के लिए हमारे यहाँ पे तो इस ऑर्डर का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था रिलीज करने का वो यही था कि यहाँ पे 27 सेवन परसेंट ऑफ जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे रिजर्व कर दी गई हैं ठीक है इस ऑर्डर का तो इस ऑर्डर में देखो उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑर्डर को ठीक है यहाँ पे पूरा ऑर्डर है सब्जेक्ट लिखा होता है उसमें नंबर्स होते हैं उसकी डेट होती है बाकायदा वो साइन किया जाता है तो द ऑर्डर अनाउंस क्या क्या अनाउंस कर रहा है ऑर्डर कि यहाँ पे जो मेजर डिसीजन लिया गया है क्या डिसीजन लिया गया पोस्टीजन की ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑफ द वैकेंसी इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एस सी जिसको बोला गया अब जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं जो क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने बना रखा है उसमें जो क्लास में आते हैं उनको 27% रिजर्वेशन मिलेगा चाहे वो सिविल पोस्ट हो चाहे वो कैसी भी पोस्ट हो उनमें यहाँ पे लिखा हुआ है टिल द अवेलेबल ऑन द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एस सी एस टी को भी क्या हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है कि जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी होती तो जो जो है तो ट्वेंटी सेवन परसेंट जो जॉब हैं वो हमारे यहाँ पर द्वारा रिजर्व हो गई है ठीक है तो ये ऑर्डर्स था जो उन्होंने एज ए गवर्नमेंट ऑर्डर उन्होंने निकाला रिलीज किया था ठीक है तो ये हमने पढ़ा अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डिसीजन मेकर्स कौन लोग हैं जो कंट्री में जो इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ होते हैं उन पे डिसीजन लेते हैं जनरली हम लोग मानते हैं कि हमारा द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एम एल हो गए एम हो गए ये लोग हमारे लिए। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर कौन एग्जीक्यूटिव हैं जो कहीं ना कहीं उन डिसीजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते हैं ठीक है अब कौन है हु डिसाइड द इश्यू दैट मेमोरेंडम किसने ये मेमोरेंडम इश्यू किया डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा मेमोरेंडम हमें इश्यू करना है कि हमें ट्वेंटी सेवन परसेंट हमें क्या रिजर्वेशन देना है किनको हम

तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे सच ए मेजर इज इन्वॉल्व तो अदर जो है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे तो हमारे यहां पे देखो सबसे पहले जो इनको इंप्लीमेंट करने का काम करता है या फिर जो भी लॉ बनता है जैसे कोई भी बिल आया उसका जो प्रोसेस है जो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ फाइनल जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो मतलब प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट पावर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो किसको दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को किसको दी गई हमारे प्रेसिडेंट? जो प्रेसिडेंट को जो सबसे ही इज द ऑल्सो हैड ऑफ द स्टेट पूरे कंट्री का हैड है अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री राइट ठीक है एंड इज द हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री वो चाहे खुद का ही वेदर ही कैन वर्क हिमसेल्फ और ही कैन वर्क विद द सब अदर यूनिट्स हैं उनके साथ में काम करें या फिर कोई अदर नॉमिनेट पर्सन इसके दस उसके साथ काम करे, बट जो भी सारी पावर्स हैं वो किसके पास हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास हैं कॉन्स्टिट्यूशनली हेड है स्टेट्स का अगर पूछा जाए हु कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट्स प्रेसिडेंट ठीक है स्टेट रिप्रेजेंट द कंट्री नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो सेकेंड जो पर्सन है प्रेजिडेंट इज ऑल्सो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है देखो पावर सारी किसको दी गई हमारे यहाँ पे प्रेजिडेंट को बट वो उनका यूज नहीं करता है हमारे यहाँ पे कंट्री में क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में हमारे रिप्रेजेंट होते हैं जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका लीडर होता है जो क्या बनता है प्राइम मिनिस्टर है. तो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हीरो ऑफ द कंट्री कैसे हीरो है प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट्स पावर तो रियल जो पावर जो हमारी कंट्री में जो यूज की जाती है वो किसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ठीक है, है वैसे देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनली तो सारी पावर्स किसके पास हमारे प्रेसिडेंट के पास में तो प्रेसिडेंट के अलावा जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो सिविल जो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पे रिवल पावर को यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द डिसंस आर टेकन बाय द कैबिनेट मीटिंग्स कैबिनेट क्या होती है कैबिनेट होती है जिसमें फिफ्टीन ट्वेंटी मेम्बर्स होते हैं ठीक है जिनका इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होता है पोर्ट अकॉर्डिंग टू देयर पोर्टफोलियो उनको डिपार्टमेंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फिर बाद में प्रेसिडेंट उसको अप्रोच करता है पार्लियामेंट उसके बारे में पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द हाउस मतलब पार्लियामेंट इज कंसिस्ट पार्लियामेंट जिससे बनती है अगर हम लोग बात करें कि पार्लियामेंट किससे बनेगी ये हो गई हमारी पार्लियामेंट जिसको हम लोग संसद भी बोलते हैं पार्लियामेंट प्रेजिडेंट लोकसभा राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जामेंट की पार्लियामेंट किससे बनती है पार्लियामेंट इज फॉर्म द प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर हमारे पार्लियामेंट को बनाते हैं अलग अलग जिनके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे आगे कि लोकसभा क्या होती है ठीक है और राज्यसभा क्या है द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट टू द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स क्योंकि जो जिसकी मेजोरिटी होती है जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है वो अपना लीडर अपॉइंट करता है उस लीडर को हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या बना देता है एज अ प्राइम मिनिस्टर तो लीडर ऑफ द हाउस कौन हो गया प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड एज द लीडर ऑफ द हाउस तो लोकसभा में जो पार्टी है अगर मान लो किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले हमारे इलेक्शन हुए और लोकसभा में जो 545 जो सीट्स अभी वैसे मैक्सिमम सीट्स हमारे 552 फिफ्टी हैं तो अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले व्हेन वन पार्टी इज़ नॉट गेट अ फुल मेजोरिटी देन डेफिनेटली ही कर्मज विद अनदर पार्टी दूसरी पार्टी जो है उनके साथ में मिलकर जो अगर गवर्नमेंट फॉर्म करेगी उसी को हम लोग एज अ कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं जिसको हम लोग गठबंधन की सरकार बोलते हैं ये हम लोग बात करेंगे जब हमारे पोलिटिकल पार्टीज़ का जो चैप्टर चलेगा अब नेक्स्ट जो क्या है मीनस दिस ऑफिस द लॉन्ग चैन ऑफ इवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंट द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन पहली बार गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे सेकंड बैकवर्ड क्लास जो बनाया था किसकी हेडेड में बीपी मंडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बैकवर्ड क्लास जो कमीशन कब बना था नाइनटीन में और किसके उसका जो किसकी लीडरशिप के अंडर किसके हेडेड में बीपी मंडल इज दैट पार्टिकुलर कमीशन राइट ठीक है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस कमीशन के बारे में ये पूछा जाता है अब हमारे यहाँ पे देखो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनती हैं जो भी हमारे यहाँ पे कमीशन बनते हैं कमिटीज़ बनती हैं जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो डेफिनेटली फिर वो उनके फेवरेबल जो होते हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं और फिर नए तरीके क्योंकि उन जिस तरह से वो लोग मेजोरिटी में आए हैं अपने अपने अकॉर्डिंग कैसे वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे वोटर्स को उसी का ये है कि एग्जांपल है कि इस रिपोर्ट को 1980 में दिया गया था अनमेड मैनी रिकमेंड उसको बाद में उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई जैसे लोकदल या फिर अदर जो पार्टीज आई उन्होंने क्या किया डेफिनेटली इसको क्या कर दिया इसमें कुछ अमेंडमेंट किए प्रोविजन किए और बाद में क्या हुआ सेवरल डेवलपमेंट टू प्लेस आफ्टर दैट और ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे जैसे जनता दल आई नाइनटीन में हुआ क्या हुआ इलेक्शन से इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो जनता दल ने पहले बोल दिया था कि अगर हमें वोट दिया जाएगा अगर इफ पब्लिक वोटेड मी देन डेफिनेटली आई वुड इंप्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट कि उसमें जो चीज़ें नहीं हैं उसमें और चीज़ें और जो प्रोविजंस हैं वो ऐड किए जाएंगे और आफ्टर जब जनता दल बिनी और वीपी सिंह उसके क्या बने प्राइम मिनिस्टर बने डेफिनेटली उन्होंने इस पर क्या किया अमेंडमेंट किया काफ़ार तो हमारे यहाँ पे क्या जो डिपार्टमेंट जो ऑर्डर इश्यू किए जाते हैं लेटर उनका क्या होता है उसी का एग्जाम्पल वाट हैपन लेटर तो डेफिनेटली उनमें या तो कुछ प्रोविजंस होते हैं या फिर कुछ अमेंडमेंट उनमें किए जाते हैं जैसे ही गवर्नमेंट हमारे चेंज हुई तो गाइज आज हमने हमारे जो चैप्टर हमने स्टडी किए कि हमारे जो ऑर्गन्स क्या होते हैं कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं वट आर देयर फंक्शंस एंड उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है। उसके बाद में हमने कुछ पार्ट हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स के बारे में बात की एंड ऑर्डर क्या होते हैं इसके बारे में हमने बात की कैसे गवर्नमेंट्स ऑर्डर निकलते हैं कैसे रिलीज होते हैं प्रेस में कौन उन पर साइन करता है साइनिंग अथॉरिटी कौन होती है एंड वट आर द एग्जीक्यूटिव हमारे यहां पे जो रोल प्ले जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कंट्री में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन लोग प्ले करते हैं प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे तो आई होप कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये जो वीडियो इसको आप लोग शेयर करें प्लीज़ ऑल्सो जो बेल बटन है उस पर क्लिक करें आप लोग ताकि जो भी नए जो वीडियोज़ हैं जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहें ओके okay.